नमस्कार, मैं रौनक शुक्ला, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां 2 वर्ष पुराने अंधे कत्ल का खुलासा रौन थाना प्रभारी उदय भान सिंह यादव के द्वारा किया गया। आपको बता दें, घटना 19 सितंबर 2019 की है, जब शिक्षक अनिल अग्निहोत्री की राजघाट पुलिया पर लूट के इरादे से अज्ञात आरोपियों के द्वारा बड़े पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी गई थी, जिस पर अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध हत्या का मामला पंजीबद्ध किया गया था। लंबे समय से जब अपराधियों का सुराग नहीं लगा तो जिला पुलिस अधीक्षक मनोज सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुसे के मार्गदर्शन में रौन थाना प्रभारी उदय भान सिंह यादव ने अपनी पुरानी कैश डायरी को बारीकी से पढ़कर एवं घटनास्थल का मौका मुआयना किया। अंधे कत्ल के बारे में बारीकी से पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। जब तक मृतक के मोबाइल की साइबर लोकेशन निकाली गई तो उसकी लोकेशन ग्राम बिलाव के पास पाई गई। पुलिस ने ग्राम बिलाव में जाकर मृतक के मोबाइल की पूछताछ की तो मोबाइल राहुल जाटव पर मिला, लेकिन मदर से संबंधित कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिला। बिलाव से बड़ी बड़ोखरी तक पूछताछ में पता चला कि प्रदीप और राम सहाय जुआ एवं शराब के आदि हैं, जिस पर प्रदीप के घर की जानकारी करने पर पाया गया कि उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो चुकी है। जब प्रदीप के जीजा के से मृतक के बारे में पूछताछ की गई, जिस पर पता चला कि प्रदीप और राम सहाय मेरे घर बाइक लेकर आए थे, मुझसे बोले कि मर्डर करने के बाद लूट कर बाइक लाए हैं, इसे रख लो, जिस पर जीजा ने यह कहकर मना कर दिया कि पुलिस पकड़ लेगी। जब अपराधियों ने मृतक का मोबाइल बिलाव में राहुल जाटव के घर के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया और चतुर्वेदी नगर भिंड में कमलेश के भाई के यहाँ बाइक रख कर आ गए। इसी सूचना पर थाना प्रभारी ने असल आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपी ने जब सारी घटना के बारे में पूछा गया तो सारी घटना उसने कबूल कर ली। प्राइम न्यूज 24 के लिए इमरान अली खान की खास रिपोर्ट। ये थाना मीना थाना क्षेत्र में आता है, दिनांक 19/9/19 की घटना है। मेरी पदस्थापना थाना रोन में सिटी कोतवाली से 5/4/21 को हुई थी। वहाँ जाके हमने देखा थाना रोन में करीब 1 साल पुराना ब्लड मर्डर पड़ा हुआ था, तो श्रीमान एसपी साहब का कहना था कि तुम सबसे पहले जो ब्लड मर्डर है उस पर काम करिए, और साहब के निर्देशन में हमने उसको, हमारी टीम ने, दोनों ने मिलके मात्र 6-7 दिन में उसको ट्रेस कर लिया। उसमें मृतक का नाम था मेघ सिंह कुशवा और आरोपी उसमें जो मिला वो परशुराम कुशवा है। जब साहब को हमने गुड न्यूज दी तो साहब बोले अभी कोई गुड न्यूज नहीं लूँगा मैं, पहले आप मेहुना का जो 2019 का पेंडिंग है अनिल अग्निहोत्री वाला मर्डर उसमें लग जाइए, और पूरी टीम को लगा रहे हैं आप उसमें, मैंने आपका मौके का आदेश कर दिया है, तो उसको गोपनीय तरीके से संदेहियों को और बदमाशों को, बदमाश किस्म के लोगों को पता ना चले करके लगाया गया था। तो करीब 1-1.5 महीने से हमारी पूरी टीम लगी हुई थी, करीब 100 लोगों से पूछताछ की, उनकी मृतक की जो शोहरत थी उसके आधार पर प्लस उनके साथ काम करने वाले सभी बिंदुओं पर जांच की, करीब 100 लोगों से पूछताछ हुई। उसके बाद जब कहीं कुछ नहीं मिला, क्योंकि उस प्रकरण में था अपने भिंड जिला के जो अच्छे विवेचक और अच्छे कुशल विवेचक माने जाते हैं उनको लगाया गया था, तो उसके बाद भी नहीं मिला था। श्रीमान एसपी साहब से पुनः इस संबंध में निवेदन किया गया तो साहब ने कहा कि FIR पढ़ के देखो उसमें और समझो क्या है। हमने बताया सर मोबाइल गया था, साइबर वालों से संपर्क करिए, मोबाइल देखिए चालू तो नहीं है। मोबाइल के संबंध में साइबर से संपर्क किया, पता चला मोबाइल चालू है। उसकी लोकेशन ली गई और उसका एड्रेस लिया गया तो राहुल जाटव के नाम से आया। उसका लोकेशन बॉम्बे में मिला, उससे संबंधित नंबर पर फ़ोन किया गया तो उसने बताया मैं ग्राम बिलाव का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ सर्विस करता हूँ, तो उसी उसको बात करके बुलवाया गया वापस और उससे कहा तुम जो फ़ोन चलाया है तुमने उसको लेके आ जाए, तो लेके आ गया। उससे विस्तार से पूछा तो उसने कहा कि मेरे घर के पीछे झाड़ियों में मिला था, खराब स्थिति में था, मैंने उसको बनवा लिया था और चालू कर लिया था, मुझे नहीं पता ये कहाँ से कैसे आया। ये तो फिर आके विवेचना आके जीरो हो गई। अब आगे कहाँ चले तो एसपी साहब से चर्चा की, एसपी साहब ने कहा आप ऐसा करो उस मोहल्ले में ये देखो कि बदमाश किस्म के कितने लोग हैं। जब ये चिन्हित किया गया तो प्रदीप
जहाँ ट्रंप का नाम दोहरे लिखता है वो, उसका नाम आया कि जो बदमाश किस्म का है। उसके घर जाके पता किया गया तो वो करीब एक साल पहले फांसी लगा के आत्महत्या कर चुका था। फिर एक ब्रेक लगा, फिर हाल ही साहब से सलाह हुई तो साहब ने कहा उसकी रिश्तेदारी से शुरुआत करिए। रिश्तेदारी का पता किया तो घटनास्थल के बिल्कुल पास में गांव बड़ोखरी है, वहाँ उसका राजू जीजा था। राजू से पूछताछ की गई बारीकी से कई बार, तो उसने कहीं जाके बताया कि मेरा साला प्रदीप और मेरे साड़ू का लड़का कमलेश, ये दोनों ने घटना की है। घटना करके मेरे पास आए थे, मृतक की बाइक भी लिए थे और सामान भी था। फिर वो उसको मैंने अपने यहाँ से भगा के सीधा वापस कर दिया था बनने के लिए, चूँकि कमलेश जो है भिंडन चतुर्वेदी नगर 4 नंबर गली का रहने वाला है, तो वहाँ भेज दिया था। इसके बाद कमलेश आज मेरे गांव में आया हुआ है और वही बाइक को चला रहा है, तो उसकी सूचना पर से फिर हमने कार्रवाई की है और इनको गिरफ्तार किया है। विवेचना जारी है, इनका पीआर लिया जाएगा और